नमस्कार, विराट 24 न्यूज की तरफ से आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोरंजन की फुल डोज टीवी शो भाभी जी घर पर से हर कोई वाकिफ है। हर घर में इस शो को काफी पसंद किया जाता है। इसी शो के एक दमदार किरदार है दरोगा पप्पू सिंह उर्फ योगेश त्रिपाठी। टीवी एक्टर योगेश त्रिपाठी नए वर्ष के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सागर पहुंचे। सागर में उन्होंने बातचीत करते हुए अपनी सफलता के पीछे के संघर्ष की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि छोटे से गांव राठ से निकलकर मुंबई पहुंचा और टीवी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके लिए उन्हें शुरुआत में मुंबई पहुंचकर चार रातें सीएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बितानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि टीवी जगत में भी तनाव है, लेकिन सुसाइड जैसे मामले किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। बस फिल्म जगत में कुछ होता तो लोगों को जल्द पता चल जाता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राठ का रहने वाला हूं। पिता, भाई, बहन, भाभी सभी टीचिंग के प्रोफेशन में है। घर का माहौल हमेशा पढ़ाई लिखाई का रहा। परिवार का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था। मैंने भी बीएससी मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया, लेकिन बचपन से ही एक्टिंग में जाना था। फिर क्या, राठ से निकलकर लखनऊ पहुंचा और वहां थिएटर किया। 2005 में मुंबई पहुंचा जहां कोई अपना नहीं था। चार रातें सीएसटी स्टेशन पर बिताई। धीरे धीरे एक्टिंग की दुनिया में पैर जमाया। पहले एड मिली और फिर मुझे बड़ा क्रेज टीवी शो FIR से मिला। फनी डॉक्टर का रोल दिया जो काफी पसंद किया गया। इसके बाद भाभी जी घर पर है और पप्पू की उल्टन पलटन शो में मेरे किरदार को लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। सागर के कलाकारों से लगातार मिलता रहता हूं। इतना ही कहूंगा कि ग्लैमर देखकर फिल्म जगत में ना आए। यदि 100% मेहनत करें तो ही आगे बढ़े, क्योंकि यहां एक्टिंग करने के लिए कई साल लग जाते हैं। धीरे धीरे ही बड़े रोल मिलते हैं। ऐसे लोग इस क्षेत्र में आगे आए जो दिल से एक्टर बनना चाहते हैं। कम से कम चार रातें रेलवे स्टेशन में गुजारी बड़ी, और कंपनियों में जॉब करने में भी ऐसे केस मिल जाएंगे। छोटे से गांव कस्बे में भी ऐसे केसेस मिल जाते हैं। ये जिसको जहां जैसी टेंशन मिली, जिसके दिमाग में आया वो कर। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये फिल्म जगत में ही हो रहा है। फिल्म जगत में जो होता है वो लोगों को जल्दी पता चलता है। फिल्म जगत में आम आदमी बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो केसेस की बात कर रहे हैं वो तो हर जगह है। ये है कि मेहनत करेंगे तो ही शायद फिर सफलता मिलेगी। कोई भी आदमी ग्लैमर देख के नहीं आ जाए मुंबई। आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स देना, टिप्स यही है कि अगर सच में आपका मन करता है कि आप एक्टिंग के बिना, नाटक के बिना नहीं जी सकते, तभी इस